हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रोहित गोयल और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्किन के जो डेड सेल्स हैं उनको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं एक अच्छे मेथड से। हमारे स्किन की जो लेयर्स होती हैं वो 7 लेयर्स होती हैं। उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो डेड सेल्स से बनी हुई होती है और कई बार क्या होता है कि ये डेड सेल्स काफ़ी टाइम तक स्किन में पड़े रहते हैं तो वो क्लॉगिंग करते हैं और वाइट हेड ब्लैक हेड्स को पैदा करते हैं। साथ ही साथ अगर बहुत टाइम तक डेड स्किन हम रिमूव नहीं करें किसी भी मेथड से तो अनइवन स्किन टोन भी देखने को मिलती है और अलग टाइप के इन्फेक्शन्स होने का चांसेस भी रहते हैं। उस डेड स्किन को रिमूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। उनमें से एक मेथड जो आप अपने घर पे यूज़ करते हैं बॉडी स्क्रब का। स्क्रब के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जो क्रिस्टल्स जो उसके अंदर बीड्स पड़े होते हैं वो यूनिफॉर्म साइज़ के नहीं होते हैं और जब आप रबिंग करते हैं तो भी एक यूनिफॉर्म मोशन में नहीं कर पाते हैं जिससे स्किन कहीं से ज़्यादा कहीं से कम रिमूव होती है। तो अगर आपको घर पे ही रिमूव करने हैं तो एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टल्स वाला स्क्रबर मार्केट में मिलता है, वो ऑनलाइन आप सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा। उसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बिल्कुल फाइन और यूनिफॉर्म फॉर्म में होते हैं तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर हैं जो आप मार्केट में स्क्रबर यूज़ करते हैं उनसे। दूसरा, अगर उससे भी अच्छा बेटर रिज़ल्ट की बात करें तो आपको स्किन स्पेशलिस्ट के कांटेक्ट में आना पड़ेगा और जो वैक्यूम पंप की एक मशीन होती है इसे माइक्रो डर्माब्रेजन कहते हैं। उसके अंदर एक हैंडपीस होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, और इस हैंडपीस में इस टाइप की टिप्स लगती हैं। इन टिप्स पे टॉप पे जो होता है यहाँ पर डायमंड पाउडर के क्रिस्टल्स यहाँ पर चुपके हुए होते हैं। जब ये स्किन से टच होता है तो बीच में वैक्यूम क्रिएट होता है और उसके मूवमेंट के साथ साथ उस क्रिस्टल के साइज़ का स्किन रिमूव होता है, इसलिए इसको माइक्रो डर्मा एब्रेजन कहते हैं। और इसमें जो स्किन रिमूव करने की बात है तो इसके क्रिस्टल के साइज़ पर डिपेंड करता है कि कितना मोटा क्रिस्टल है तो उतना ज़्यादा स्किन रिमूव होगी। ये सबसे बेस्ट मेथड है। इसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट आपके नियर बाय जितने भी कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम डर्मेटोलॉजिस्ट पे ये माइक्रो डर्माब्रेजन की मशीन होती है। अब बात करते हैं कि इंडिकेशंस की, माइक्रो डर्माब्रेजन या फिर हम कहें कि डेड सेल्स को रिमूव करने की बात कहाँ पर आती है। जहाँ पर आपके वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं या एक्टिनिक एक्ने, एक्ने मतलब जहाँ एलर्जिक एक्ने है वहाँ पर हमारे को ज़रूरत है कि ऊपर की डेड स्किन को रिमूव करें जिससे न्यू स्किन जो है वो नॉन एलर्जिक आए और जो हमारे पोर्स हैं, जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स हैं, सेबेसिस ग्लैंड्स हैं, वो ओपन हो जाएं जिससे हमारा ऑयल सही तरीके से सीक्रेट हो सके और वो क्लॉगिंग के वजह से जैसे ब्लॉक हो जाता है तो वो ओपन हो जाते हैं क्योंकि ऊपर की स्किन डेड स्किन रिमूव हो गई है। दूसरा, आपने देखा होगा कि शोल्डर पे या बैक पे छोटे छोटे से कांटे कांटे से आपको फील होते हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं उनमें, तो उनके अंदर जो है वो उसको कहते हैं कैरेटोसिस पाइलरिस। उसके अंदर सबसे बढ़िया मेथड जो है वो माइक्रो डर्माब्रेजन ही है जिससे हम उसको रिमूव कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ऐसे ही कुछ लोग जो होता है ट्रिपल कॉम्बिनेशन वाली क्रीम यूज़ कर रहे होते हैं जिससे उनको बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है फेस पे। जैसे ही वो उसको विड्रॉ करते हैं उनको बहुत छोटे 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 पैप्यूल्स पॉस्ट्यूल्स आने लगते हैं। तो उस एलर्जी से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि 5 to 6 सेटिंग्स हम माइक्रो डर्माब्रेजन की किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके लें जिससे ऊपर की सारी डेड स्किन रिमूव हो जाती है और धीरे धीरे एलर्जिक रिमूव होने के बाद एक नॉर्मल स्किन मिलता है। उससे एक तो स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाता है और स्किन टोन में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऐसे ही एंटी एजिंग या फिर हम स्कार रिडक्शन के लिए कोई भी क्रीम अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी माइक्रो डर्माब्रेजन का बहुत अच्छा रोल है कि हमारी डेड स्किन रिमूव हो जाती है तो स्किन में जो मेडिसन है, जो क्रीम है, उसका पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो रिजल्ट्स जो है इम्प्रूव होने लगते हैं और ज़्यादा आने लगते हैं। तो माइक्रो डर्माब्रेजन ऐसे बहुत जगह हम यूज़ कर सकते हैं और देखा जाए तो 30 to 48 डेज़ में स्किन जो होती है हमारी शेड आउट होती है। तो एक पेशेंट को चाहिए अगर वो अपनी स्किन की केयर करता है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में रहे तो 60 डेज़ में एक सीटिंग माइक्रो डर्माब्रेजन की लेता रहे।
और कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो अगर किसी को पोस्टुलर एक्ने है या फिर कोई इन्फेक्शन है तो हम किसी भी टाइप का स्क्रब या फिर कोई माइक्रोडर्माब्रेजन जैसे प्रोसीजर नहीं करेंगे, वरना क्या है वो पोस्टुल्स जो है स्प्रेड करेगा और इन्फेक्शन पूरे में फैल जाएगा। रोजेसी आई के पेशेंट में हम माइक्रोडर्माब्रेजन या फिर स्क्रब वाले पेशेंट काम नहीं करेंगे। फंगस के पेशेंट में जिसको टीनिया फेशियलिस है, फंगस फेस पे है, उस पेशेंट के अंदर हम स्क्रब वाला काम और अपना माइक्रोडर्माब्रेजन वाला जो काम है वो नहीं करेंगे। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि अगर हम घर पे करते हैं तो मैंने आपको टिप्स दिए कि अभी किस टाइप के आपको स्क्रबर यूज़ करने हैं, और माइक्रोडर्माब्रेजन अगर करवाना है तो आपको नियर बाय डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए। थैंक यू।